taking advantage of confidential information uh, as we know that when we interact with different people which includes the clients as well we have come across lot of information this information could be of many type and they, this could be of different kind of use as well occasionally psychotherapists have an opportunity to gain personally as a result of information received in confidence एट टाइम्स इट हैपन्स कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो किसी एक खास प्रोफेशन से बिलोंग करता है या मे बी वो एक किसी ख़ास किस्म का कोई बिजनेस या किसी किस्म का कोई ख़ास एरिया प्रैक्टिस कर रहा हो और उसके पास कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन हो मे बी वो स्टॉक्स में काम करता हो उसके पास स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन हो या अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन से है तो उसके पास कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जो कि एक्सक्लूसिवली मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होती है थिंग्स लाइक दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो हाउ ऑफन साइकोथेरेपिस्ट मे बेनिफिट इन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन दे रिसीव इन कोर्स ऑफ वर्क विद यर क्लाइंट समटाइम्स उन क्लाइंट्स के पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेश हो सकती हैं जो कि साइकोथेरेपिस्ट जो हैं उनके साथ डिटेल हिस्ट्री टेकिंग में डिस्कशन में अपनी प्रॉब्लम्स की कम्युनिकेशन के दौरान उन तक पहुंचे और वो उनको किसी तरह अपने फायदे या अपने किसी पर्सनल यूज में ला सकें फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अ थेरेपिस्ट लर्न ऑफ अ बिजनेस इवेंट रिलेटेड टू स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज इन लाइफ ऑफ इस क्लाइंट अब एक स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक क्लाइंट एक थेरेपिस्ट के पास आया और उसके पास कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ गई जैसे बहुत सारी स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन होती है कि विच इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन विच बिजनेस और कहाँ पर इस वक्त प्रॉफिट होने के चांसेस हैं कहाँ लॉस होने के चांसेज हैं द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वॉज नॉट अ पब्लिक नॉलेज इट वॉज समथिंग सीक्रेट रिलेटेड टू दैट क्लाइंट्स पर्सनल expertise एंड नॉलेज और वो सब लोगों के लिए एक information नहीं थी बल्कि वो एक specialized पर्सन की individual जो है वो उसकी ट्रेनिंग या उसकी expertise का एक हिस्सा थी थेरेपिस मेड सम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड अर्न अ हैंडसम अमाउंट एज ए रिजल्ट अब उस थेरेपिस्ट ने उस क्लाइंट से मिलने वाली वट यू कैन कॉल इज अ ट्रिप उस ट्रिप से जो उसको फायदा हासिल हुआ उसने उसको लेते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट और बहुत ज्यादा फायदा कमाया लेटर ऑन द थेरेपिस्ट प्रोसिक्यूटेड एंड फाइन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग नाउ हेयर कम द एथिकल कंसर्न कि अगर आप कोई ऐसी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से लेते हैं तो एज अ थेरेपिस्ट दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको अपने पर्सनल गेंस के लिए किसी बिजनेस में किसी और तरीके से उसका कोई फायदा ले सकें एंड वंस कॉर्ड द थेरेपिस्ट हैज़ एंड फॉर दैट और उसको एक इन साइडर ट्रेडिंग के जुर्म में पकड़ लिया गया समटाइम्स द इंफॉर्मेशन ऑप्टेन इन द प्रीवियसली प्रिशन सिचुएशन कुड बी रिलेटेड टू द जर्नल एरियाज ऑफ लाइफ और पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज वहां पर हम ये नहीं कहते कि ये कोई क्राइम है या ये कोई एथिकल Uh, जो है वो डायलमा है कि आप उस इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज को किसी तरह का फ़ायदा लेने के लिए इस्तेमाल करें द इंफॉर्मेशन ऑप्टेन ऑल्सो नॉट नेसेसरली बी रिलेटेड विद द क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ और द सर्विस इज बींग प्रोवाइडेड बाई द थेरेपिस्ट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये भी ज़रूरी नहीं कि वो जो इन्फॉमेसन आपके पास क्लाइंट से आ रही है वो एक्सक्लूसिवली उसकी मेंटल हेल्थ इलनेस की वजह से ही आपके पास आ रही हो और सिर्फ उसी ड्यूरेशन में आ रही हो जिसमें आपके साथ उसका ताल्लुक है

फॉर इंस्टेंस अगर एक क्लाइंट आपसे जनरल अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए कहता है कि जी मेरा ज़्यादातर जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ इस एक गैजेट की वजह से था तो ये एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिस जिससे अगर आ, उस एक्सपीरियंस को सुनते हुए वो थेरेपिस्ट फ़ायदा उठा लेगा तो ये कोई एथिकल कंस्ट्रेंट नहीं बनेगा हाउ एवर द सेम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ जनरली अवेलेबल टू मेनी पीपल क्योंकि वो क्लाइंट के अलावा और भी बहुत सारे लोग जो वो गैजेट्स यूज़ कर रहे होंगे वो भी इसी तरह की सिमिलर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सो इट वुड नॉट लीड टू अ पर्सनल गेन एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स लेकिन जहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उससे कोई पर्सनल गेन लिया जाए हेयर दैट बिकम्स अ लीगल एंड एथिकल कंसर्न एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इज बिंग वायोलेटेड और वहाँ पर हम उसको एक एथिकल कंसर्न समझते हुए उस थेरेपिस्ट को लीगली uh, पनिश भी किया जा सकता है uh, और ये अदरवाइज भी उसके लिए डिफेम होने का सोर्स बन सकता है